सागर जिले की 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आज सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान के पहले 2 घंटे में 12.46% मतदान हुआ। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। अनेक मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं महिलाओं और पहली बार वोटर बने युवाओं में मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह और जोश देखने को मिला। अनेक युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया में देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देना बताया, तो वही महिलाओं ने भी शहर के विकास को लेकर अपने मताधिकार का उपयोग करना बताया। सागर में आज सुबह 7 से 9 बजे तक कुल 12.46% मतदान हुआ है। अच्छा है, ये वोट देना चाहिए, इससे लोगों को एक वो मिलता है कि उनके अंदर क्या, मतलब उनको कौन लीडरशिप लीडर मिलेगा, तो अच्छी बात है। अपना एक्सपीरियंस क्या सोच रही हैं कि क्या सोच के आपने वोट किया है? कि मैंने ये सोच के वोट किया है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, और मतलब जो भी मैंने जिसको वोट किया है तो वो अगर जीते तो हमारे सागर शहर में इम्प्रूवमेंट आएगा। देख रहे हैं कि सागर थोड़ा डेवलप्ड हो, नौकरियां बेरोजगारी है जो अभी सागर में, तो वो डेवलप्ड हो, नौकरियां मिले सबको, बस उसी के विषय पर डाला है। देखिए मताधिकार, जैसा मैंने पहले भी अपील किया है कि हम सबका अधिकार है और उसका प्रयोग हम सभी को करना है। मेरा जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते सभी से अपील है, सभी युवाओं से कि बढ़ चढ़ करके कि अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सभी महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का मत प्रतिशत सागर जिले में कम रहा है पुराने वर्षों में, इसलिए विशेष प्रयास इस बार किए गए हैं स्वीप गतिविधियों के माध्यम से कि महिला मत प्रतिशत में इजाफा हो। उसका परिणाम देखने में आया है कि महिलाओं का वोटर जो जेंडर रेशियो जो वोटर लिस्ट का है वो काफ़ी बढ़ा है इस बार। तो मेरा अपील है सभी महिला वोटर से कि आप लोग भी आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।